द सिविलाइज्ड इंडियन। क्या आपको मालूम है कि इस देश में जो भी नेता बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात करता है, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी के अंदर ही नहीं देखता है। उसके पार्टी में ढेरों बलात्कारी और अपराधी बैठे होते हैं, जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि राजनीति से क्रिमिनल्स को निकाल फेंकना है, लेकिन हुआ क्या? उनकी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया या ऐसे लोगों के साथ समर्थन दिखाया जिन पर रेप, मर्डर इन जैसे चार्जेस दर्ज हैं और वो जेल में बंद हैं। आज की वीडियो ऐसे ही एक शख्स के बारे में होने जा रही है, गुरमीत राम रहीम। रोहतक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, रेप और मर्डर के चार्जेस इन पर दर्ज हैं। लेकिन अक्सर जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें पैरोल पर बाहर कर देती है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम 20 दिनों के पैरोल पर बाहर निकले हैं। भले ही इलेक्शन कमीशन ने उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है और सख्ती से मना भी किया है कि वो किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके क्या मायने हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि बार बार चुनाव के टाइम पर राम रहीम जैसे लोगों को या राम रहीम को ही क्यों भारतीय जनता पार्टी पेरोल पर बाहर कर देती है। मोदी ने कहा है कि राजनीति से अपराधियों को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना अखबारों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा इस चीज पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ। सबसे पहली चीज, राम रहीम का इन्फ्लुएंस पंजाब और हरियाणा के दलित्स पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम का एक पॉलिटिकल विंग भी है, जिसमें वो फैसला करते हैं कि इस बार किस पार्टी को वोट देना है और अपने फॉलोअर्स से वो उस पार्टी को वोट करने के लिए कहते हैं। इस पॉलिटिकल विंग को लास्ट ईयर डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए इसी पॉलिटिकल विंग के एक आदमी ने बताया कि अभी भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं किस पार्टी को वोट करना है, किसकी तरफ डिवोटीज को लीन करना है। नोटिस करने वाली बात यह है कि देरा के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इसलिए भी राम रहीम का पैरोल पड़ाना एक पॉलिटिकल फायदे का गेम हो सकता है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने के बाद डेरा सच्चा सौदा सिरसा में भी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब डेरा सच्चा सौदा के समर्थन पर टिकी हुई है। वोट किसको देना है, कैसे दिलवाना है, किस पार्टी को डन करना है, कैसे जनता के बीच उसके इमेज को बनाना है, इन सब के लिए डेरा वाले लेवल्स में मीटिंग करते हैं। पहले गांव में लोगों के बीच में एक मीटिंग होती है, फिर प्रेमी सेवक जो कि वहां का हेड होता है एक तरीके से, उस तक बात पहुंचा दी जाती है। फिर प्रेमी सेवक ग्राम प्रेमी सेवक तक इस बात को पहुंचाते हैं कि उस पार्टी वाले मेंबर को वोट देना है। फिर वहां से ग्राम प्रेमी सेवक इस बात को 15 मेंबर्स के एक डिस्ट्रिक्ट पैनल में पहुंचा देता है और आखिर में ये बात संगत तक पहुंचाई जाती है। संगत जो कि ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स है, वहां तक ये बात चली जाती है। उसके बाद तय हो जाता है कि इस बार किस राजनीतिक दल को वोट देना है। पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, जिन्होंने डेरा के ऊपर किताब लिखी है, वो कहते हैं 2014 से पहले क्षेत्र देख करके राम रहीम सेट करता था कि उसको वोट देना है, लेकिन जैसे ही मोदी जी नेशनल लीडर के तौर पर उभरे तो राम रहीम को बीजेपी की तरफ झुकने में ज्यादा फायदा दिखा। इसका कारण बिल्कुल साफ था कि राम रहीम जानते थे भाजपा के आने से उन्हें भी राजनीति और धर्म का एक मिश्रण मिल जाएगा, जिससे उनका भी काम आसान हो जाएगा। इसलिए 2014 के बाद से राम रहीम ने अपने डिवोटीज को बीजेपी के लिए वोट करने को कहा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में कैलाश विजयवर्गीय ने 44 नेताओं समेत डेरा पर पहुंचे थे। इसके अलावा पिछले साल ही टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक और आर्टिकल आता है, जिससे ये बात पता चलता है कि डेरा फॉलोअर्स आए दिन ही मीटिंग्स आयोजित करते हैं, जिसको अटेंड नेता लोग किया करते हैं। और आप जानते भी होंगे कि किस पार्टी के नेता लोग ऐसी मीटिंग्स को अटेंड करते होंगे। अगर आप इन सब के बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं कि राम रहीम किस पार्टी को वोट करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, तो अब वक्त आ गया है पर्दा हटाने का। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पहले डेरा ने खुले तौर पर भाजपा को समर्थन दिया था और लोगों से कहा था कि भाजपा को ही वोट करने, और ये आदेश उन्होंने एक दिन पहले चुनाव के जनता में फैला दिया। इन सब का नतीजा आपको मालूम है क्या है? आप इस चार्ट को देखिए।
अक्टूबर 2020 में एक दिन के लिए पैरोल पर आए राम रहीम, उसके बाद मई 2021 में एक दिन के लिए पैरोल पर आए, 2022 में 21 दिनों के लिए पैरोल पर आए जब पंजाब इलेक्शन अपने पीक पर था, फिर उसी साल 2022 के जुलाई में बाहर आए जब हरियाणा म्युनिसिपल बॉडी पोल्स चल रहे थे, फिर उसी साल अक्टूबर में 40 दिन के लिए बाहर आए जब अदमपुर में बाईपोल इलेक्शन हो रहे थे, फिर अगले साल हरियाणा में पंचायत पोल्स के टाइम पर 40 दिनों के लिए बाहर आए, फिर उन्हें 30 दिनों का पेरोल मिला, फिर राजस्थान इलेक्शन के टाइम पर 2023 में 21 दिनों के लिए बाहर आए, 2024 में लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर 50 दिनों के लिए बाहर आए, फिर इसी साल अगस्त में 21 दिनों के लिए बाहर आए थे हरियाणा चुनाव के टाइम पर, और अब फिर 21 दिनों की पेरोल की डिमांड है जो कि पूरी की जा चुकी है। आपको याद करना चाहिए फादर स्टैन स्वामी को, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि पार्किंसन का मरीज था, उस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर 20 दिनों तक उसे वाटर स्ट्रॉ नहीं दिया गया और वो शख्स जेल में ही मर गया। इसके अलावा उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरान हैदर, सज्जेल इमाम, उन सबको कोई भी पेरोल नहीं मिलता है जबकि वो सेहत के साथ जूझ रहे हैं, परिवार से मिलना चाहते हैं, सरकार उन्हें मिलने नहीं देती है क्योंकि वो एक्सटर्नल थ्रेट हो सकते हैं देश के लिए, लेकिन राम रहीम और इन जैसे बलात्कारियों के साथ सरकार अपना खुला समर्थन दिखाती है क्योंकि सबका मालिक एक है और जिसे इससे राजनीतिक फायदा होता है। मुझे आशा राम बापू के सानिध्य में पूरे देश से एक साधक के स्वरूप में पूज्य बापू के चरणों में आकर के बैठे हैं। मुझे श्रद्धा है कि गुजरात की इस पवित्र धरती से, साबरमती के इस किनारे से, आशा राम बापू जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आशा लेके जाएंगे, उमंग भी लेके जाएंगे। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देखो मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला, मोदी झूठ बोला। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।